नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। अभी आपने जैसे जाना है कि देश में एक सबसे बड़ी घटना, एक आतंकी हमला हुआ है श्रीनगर के जेवन इलाके के अंदर। और अभी मैं मौजूद हूं देश के जाने माने वकील ऋषि पाल जी के साथ। ऋषि पाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो अभी जो श्रीनगर के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमले की जो ये घटना है, आखिर ये इस वक्त में क्यों हुई? क्योंकि जहाँ एक तरफ देश के प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पर एक महा आयोजन कर रखे हैं और पूरा देश का ध्यान उनकी तरफ है, क्या उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की ये आतंकी हमला हुआ है? इसके पीछे कुछ और साजिश निकल कर आती है? देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार जो आतंकियों के ऊपर कार्रवाई सरकार कर रही है और बड़ी संख्या में आतंकी जो मारे जा रहे हैं, आज का जो घटना है उसी क्रम में आतंकवादियों की जो हताशा है, उस हताशा को प्रकट करता है। और उस हताशा में उन्होंने वहाँ की ना केवल मिलिट्री बल्कि वहाँ की जो लोकल पुलिस है, पुलिस के ऊपर हमला किया, क्योंकि जो वहाँ की जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है इस तरह के इंटेल देने के लिए, इस तरह की खुफिया जानकारी देने के लिए, जिससे आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं उन पर पानी फिरता है और वो पकड़े जाते हैं। ये कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं, उनके नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं, उसमें बहुत तेज़ी से जो कमर कस के इन आतंकवादियों पर हमले किए जा रहे हैं और उनको नस्त नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। तो उस क्रम में एक जरूर ये एक सिंबॉलिक हो सकता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी जो हैं वो जो विकास कर रहे हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ये साबित करने के लिए कि देश में उस जगह या कश्मीर के अंदर जो कुछ चल रहा है वो सामान्य नहीं चल रहा। अभी भी वो क्षेत्र जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। तो इनका मेन मकसद यही है कि जो पूरी व्यवस्था है, जो सामान्य व्यवस्था की तरफ लौट रही है, लोग काम धंधे की तरफ लौट रहे हैं, तो एक ऐसी व्यवस्था लाना, एक ऐसा एक प्रकट करना विश्व के सामने कि अभी भी आतंकवाद यहाँ कायम है। जानकारी मिल रही है कि ये जो आतंकी हमला है इसके अंदर करीबन 2 से 3 जवान शहीद हो गए हैं और इसके अलावा 11 से 12 लोग जो सेना थे, जो पुलिस है, वो घायल हो गए हैं और जिसमें से 3 से 4 जो सेना है वो ऐसे हैं जो घायल तौर पे जख्मी भी हो गए हैं। क्या लगता है कि ये जो सारे हालात हैं, आखिर जो आतंकी थे जिन्होंने ताबड़तोड़ बाइक पर आए और ताबड़तोड़ फायरिंग एक बस पे कर दी जिसके अंदर वहाँ की जो लोकल पुलिस थी वो बैठी हुई थी, तो इस पर जो सिंबॉलिक जो एक संदेश, क्या वो देना चाहते हैं कि देश को डराने का काम कर रहे हैं? वो देश को डराने का काम भी कर रहे हैं, साथ साथ वो विश्व में एक संदेश भी देना चाहते हैं कि जो एक आतंकवाद जिसकी कमर टूट चुकी है, जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन दिखाने के लिए जो है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ, ये अभी भी आतंकवाद जिंदा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो जो जिस इलाके में घटना हुई वो बहुत ही सघन इलाका है, बहुत ही मतलब रिहायशी इलाका है, और थोड़े समय के अंदर वो आतंकवादी कुछ सेकंडों में वहाँ से गायब हो गए। तो अपने आप में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आतंकवादी उस क्षेत्र में जहाँ पर उनकी जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, पुलिस अपनी पुलिस पर अपनी जो जानकार जो मतलब उनकी अपनी लोकल जो पुलिस है वो उस पर हमला कर रहे हैं दिखाने के लिए कि वो डिस्टेबलाइज करने की, कि जो पीस प्रोसेस है, जो शांति है, जो इकॉनमी है, धीरे धीरे वापस के अंदर पाकिस्तान से, स्पेशली जो पाकिस्तान से प्रायोजित जो आतंकवाद है वो यही कोशिश कर रहा है कि इस इलाके को जो है स्टेबलाइज नहीं किया जा सके। ये तो आतंकी हमला है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सीधे तौर पे पाकिस्तान जिम्मेदार है या तालिबान या इसके अलावा कोई और आतंकवादी? नहीं, देखिए, अभी तक तालिबान का कोई भी ऐसा कार्य जो है हमारे देश में नहीं आया, ना कोई ऐसी जानकारी, ना कोई ऐसा इंटेल है। लेकिन इस पर यह जग जाहिर है कि जितने भी आतंकवादी कार्रवाई होती हैं, इनकी योजना जो बनती हैं, ये पूर्ण रूप से पाकिस्तान में जो बैठे इनके आका हैं, जो आतंकवादी हैं, वही बनाते हैं और इन कार्यों को अंजाम देते हैं। और यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, अधिकांश आपने जो इस तरह की घटनाएँ देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं, ये वो सारे आतंकवादी जो पिछले कुछ महीनों में, सालों में भी नहीं, कुछ महीनों पहले ही आतंकवाद जिन्होंने जो है ज्वाइन किया है और उसके बाद ये घटना हुई है। तो इसमें बहुत हद तक जो आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान से पनप रहे हैं उनका कार्य यही है कि वो किसी भी तरीके से इस क्षेत्र में शांति कायम नहीं होने देना चाहते। लेकिन एक बात यह है कि 2019 का जब देश में चुनाव था, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था और वो घटना भी कुछ इसी तरह से ही थी जो आज ये दोहराई गई है कि बस के अंदर जो सैनिक थे उनके ऊपर अचानक इस तरह से
विस्फोट होता है कि 40 जवान देश के शहीद होते हैं, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक उनके ऊपर क्या रहा क्या नहीं, वो देश की जनता आज भी जानने के लिए उत्सुक रही है। और ये घटना फिर दोबारा उस पुलवामा अटैक को दोहराती है, तो क्या लगता है कि ये घटना भी क्या ऐसे खत्म हो जाएगी या इसका कोई करारा जवाब देने का काम देश करेगा? नहीं देखिए, देश बिल्कुल, मैं आप देख रहे हैं अगले कुछ ही दिनों के अंदर जो आतंकवादी हैं उनके सर्च ऑपरेशन चलाए जाएंगे और उनको बिल्कुल मारा भी जाएगा। लेकिन ये घटनाएं जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस इलाके में घटना हो रही है आसपास से जो है लोकल उनको बहुत हेल्प मिलती है, वो लोकल हेल्प जो उनको मिल रही है आतंकवादियों को, वो बहुत बड़ी जो है समस्या है। अगर उन समस्याओं पर हम काबू पा लेते हैं तो बहुत ही जल्द ऐसे आतंकवादी जो संगठन हैं उनको हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि अगर आप भी इस खबर पे कोई अपने सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स में जाकर अपने सुझाव दीजिएगा, और इससे जुड़े हुए जो भी अपडेट हैं वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफी की यह खास रिपोर्ट।